हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन। डेरिवेशन ऑफ मोशन सेकंड इक्वेशन, मैंने लास्ट लेक्चर में, अगर आपने मेरा वीडियो देखा था तो मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा डेरिवेशन कराया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का। आज बेटा हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन। और सभी लोग जानते हैं डेरिवेशन पढ़ने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सभी को पता ही होगा s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एस, यहां पर s क्या है बेटा, s इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द ऑब्जेक्ट U। बेटा लास्ट इक्वेशन जब मैंने सॉल्व कराई थी तब भी मैंने U और V के मीनिंग बताए थे, फिर मैं दोबारा से बताता हूं। U इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, V T बेटा क्या है, V तो यहां पर है ही नहीं, T क्या है बेटा, T इज इक्वल्स टू टाइम टेकन। एंड एक बचता है बेटा A, ए आपको पता लग रहा होगा, ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आज बेटा हम इसी का डेरिवेशन पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। ध्यान से देखिए, इसमें बेटा एस आ रहा है, यू आ रहा है, टी आ रहा है, लेकिन एक क्वांटिटी मिस है, दैट इज वी। वी मींस फाइनल वेलोसिटी। कैसे करेंगे बेटा इसको, तो वही जैसे कि मैंने लास्ट में लैंग्वेज लिखाई थी, इसमें भी वही लैंग्वेज यूज करनी है। तो मैं दोबारा से इसको बता देता हूं ये है क्या, कौन सी लैंग्वेज लिखते हैं, क्योंकि विदाउट लैंग्वेज डेरिवेशन इनकम्प्लीट होगा। सो क्या लैंग्वेज लिखनी है, सपोज लेट यू इज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी इट ट्रेवल एस डिस्टेंस, या ऐसे बोलें ट्रेवल डिस्टेंस एस एंड अटेन फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, दो लाइन में मैंने लैंग्वेज लिखी है, लेट यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आफ्टर, सॉरी माय मिस्टेक, आफ्टर टाइम टी इट ट्रेवल डिस्टेंस एस एंड अटेन फाइनल वेलोसिटी वी। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ब्लैक बोर्ड यहां पर छोटा है। सो नाउ बाय द एवरेज वेलोसिटी का बेटा आप फॉर्मूला जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टू। अब बेटा ये कैसे निकलेगा, जरा देखो यहां से, इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज अपॉन टू।
ठीक है, यहां तक हम लेके आ गए, ये एवरेज वेलोसिटी का निकल के आ गया u प्लस बी अपॉन टू। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट हम लगा लेंगे यहां पर, सो आप यहां तक नोट कर लीजिए बेटा। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं अब इसमें। हाँ, सो हमने एक इक्वेशन बना ली बेटा, एवरेज वेलोसिटी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी, नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं यहां कॉर्नर पे यहां पे लिख देता हूं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू। यहां तक आ गए। हाँ बेटा, एक फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू बेटा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को देखो हम यहां लिख लेंगे एवरेज वेलोसिटी, इसको भी बोला जा सकता है, सो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस को बेटा एस से रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज कर देंगे यू प्लस वी अपॉन टू, टाइम बेटा टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब जरा अपने नोट्स में देखो बेटा, उसमें सेकेंड इक्वेशन में वी का कहीं भी यूज नहीं होता है, सो हमें वी को एलिमिनेट करना है। सो बाई इक्वेशन फर्स्ट ऑफ मोशन क्या बनेगा, इसको मैं यहां से रिमूव करता हूं। एस इज इक्वल्स टू यू, क्या है बेटा इक्वेशन क्या होती है, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यही इक्वेशन होती है। तो हमें v की जगह पे क्या लिखना है, u प्लस at लिखना है, सो हम क्या लिखेंगे यहां पर, u प्लस at अपॉन बेटा क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी। क्लियर, अब बेटा एड अप कर दो, कितने हो गए, ट्वाइस u प्लस at अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद बेटा देखो t की मल्टीप्लाई कर दूं मैं अंदर, सो s इज इक्वल्स टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, अब इनको मैं अलग अलग लिख दूं, मैथमेटिकल फ्रैक्शंस हैं, इनको अलग अलग यूज कर सकते हैं, सो ट्वाइस यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन टू, देख रहे होगे टू से टू कैंसिल हो गया। एस इज इक्वल्स टू, इस वाले में क्या आया यू टी, इसको क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टू, सेपरेट कर लिया, और इसको क्या लिख सकते हैं ए टी स्क्वेयर। क्लियर हुआ, इसको क्या किया देखो मैंने, फिर दोबारा से यहां पे देखिए अपॉन टू, इसको सेपरेट किया, इसको सेपरेट किया मैंने, मीन्स टू यू टी अपॉन टू ए टी स्क्वायर अपॉन टू, टू से टू कैंसिल हुआ, यू टी प्लस हाफ, इसको टू था डिनोमिनेटर में था, सो वन अपॉन टू, और इसको सेपरेट दिया ए टी स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है, क्या यही हमारी सेकेंड इक्वेशन है, सो वी ऑब्टेन सेकेंड इक्वेशन बाई फॉर्मूला मैथड। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नोट कीजिए बेटा फटाफट इसको। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं बेटा। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन,
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसका डेरिवेशन बेटा देखिए थर्ड इक्वेशन होती क्या है बेटा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस वी क्या है बेटा फाइनल वेलोसिटी यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी ए क्या है एक्सीलरेशन और एस को तो पता ही है आपको क्या है ये डिस्टेंस कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा सो इसमें बेटा देखो हेल्प ली जाएगी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों से आपने एक चीज देखी कि जब हमने फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन किया तो हमने यूज किया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का जब सेकंड इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे थे तब हमने हेल्प ली फर्स्ट इक्वेशन की अब जब हम थर्ड इक्वेशन कर रहे हैं डेरिवेशन तो वहां पर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन की हेल्प लेंगे मींस तीनों इक्वेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंसी आ रही है सो बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बेटा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर आप जरा थर्ड इक्वेशन को याद करो एक बार वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस है सो आप इसमें देख रहे होंगे बेटा कि उसमें कहीं भी टी नहीं है तो टी हमें एलिमिनेट करना है सो बाई फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहां से t की वैल्यू निकालो v माइनस u इक्वल्स टू ए टी और t जब निकल के आएगा तो v माइनस u अपॉन a अब इस t की वैल्यू को बेटा हम रखेंगे इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो ठीक है सो बाय लिखो इसमें मैं यहां लिख दे रहा हूं इसको From equation 1 and equation 2 क्या करेंगे t की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या बनेगी जरा देखिए s is equals to u t की वैल्यू बेटा उठाई हमने v minus u upon a क्लियर प्लस वन अपॉन टू ए टी की वैल्यू बेटा वी माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर क्लियर हो गया मैंने क्या किया इस टी की वैल्यू जो इक्वेशन फर्स्ट से मिली थी उसको इस वाली इक्वेशन में रिप्लेस किया तो टी वी माइनस यू अपॉन ए प्लस वन अपॉन टू ए वी माइनस यू का अपॉन ए का होल स्क्वायर क्लियर हो गया क्लियर हुआ अब ये मैं यहां से रब कर दे रहा हूं बेटा देखिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूं एस इज इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाई करी यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए क्लियर वन अपॉन टू इन टू ए बेटा ये किसका फॉर्मूला बनना है ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है तो माइनस ट्वाइस ए बी मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी
तो बिल्कुल इसी टाइप से v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv अपॉन a का स्क्वायर। अरे ये मंडराई नहीं बनना है, a माइनस b का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मींस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2i इज uv। कंप्लीट हुआ। आप देखो s इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखते हैं, एस इज इक्वल्स टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस, यहां देखिए बेटा ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ए से ए स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचा वन अपॉन वन, तो रहने दो इसको हटाओ, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू वी अपॉन टू ए, टू को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे होगे एलसीएम ले लो जरा इसका, एलसीएम निकालो, टू ए बेटा एलसीएम आ गया। अब ए यहां पे टू की मल्टीप्लाई टू यू वी माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी, देखो टू यू वी से टू यू वी कैंसिल, और तो कोई कैंसिल हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऊपर लिखता हूं उसको क्या बचा हमारा, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, देखो माइनस का टू यू स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर, क्या बचा माइनस का यू स्क्वायर अपॉन टू ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसके बाद, ये समझ में आया ना कैसे बचा, देखो वी स्क्वायर माइनस का टू यू स्क्वायर प्लस का यू स्क्वायर, तो कितना बचा माइनस का यू स्क्वायर, माइनस का वन ही तो बचा। अब जरा देखो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए एस, और वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। आगे देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन मिल गई, थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी। सो इधर ऐसे मैंने आपको बेटा फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन बताया, सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन बताया, थर्ड इक्वेशन का डेरिवेशन बताया, बट बाय फॉर्मूला मेथड। कल बेटा मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, आगे जो लेक्चर्स में मैं बताऊंगा उसमें ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन करना बताऊंगा, बट उससे पहले भी हमें ग्राफ भी पढ़ने पड़ेंगे, different different graph and how we calculate the distance, how we calculate the acceleration, so ये हमें कैसे निकालने होंगे उन graph से, तो सबसे पहले उन graph के through मैं आपको acceleration और distance calculate करना बताऊंगा, and after that we will solve derivation by graphical methods, till then bye bye, और अगर आपको कोई भी doubt हो तो comment box में comment कीजिए। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अच्छा नहीं बन रहा है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं वीडियो की क्वालिटी या साउंड पर भी बेटा होमवर्क करूँगा। ठीक है, बाय बाय।